नमस्कार, आज सुन रहे हैं आपकी फरमाएं। अगला गाना किशोर दा की आवाज में तारा ने तो तारा बन गया। गाने की फरमाएं की है पप्पू मनु बिट्टू मुन्नी और मित्रों ने। अरे आ गए आप, इतनी जल्दी आ गए यार। आ भी गए हैं तो गैया को लेके जाइए, टीका लगा के लेके आइए। और हाँ, आते वक्त पानी भी भर के लाना। और हाँ, बिटिया के लिए स्लेट भी लेके आना। और चाची आई थी तीन दिन बाद आपको ढूंढते हुए। अरे यार, इसी किसी से तो रेडी भी अच्छा है। अरे सपना की माँ, कम से कम एक कप चाय तो पूछ लो। हाँ पिलाती हूँ, पहले जूते उतार लो। वैसे इतना जल्दी कैसे आ गए? फिटनेस से जल्दी छुट्टी हो गई क्या? हाँ हाँ हाँ। अब खेती के दिन तो रहे नहीं हमारे। खेती जितनी मेहनत करते तो फैक्ट्री में आधे दिन में काम हो जाता था, पर फिर भी काम अच्छा चल रहा था। अच्छी बात है, फिर तो आपको थकान भी कम होगी और परिवार के लिए टाइम भी ज्यादा मिलेगा। वैसे मछली कहाँ है? आप तो कह रहे थे कल आते वक्त मछली लेके आएंगे। हाँ हाँ, कहा था मगर पगार नहीं मिली, क्या करूँ? कल पगार मिलेगी, कल रास्ते में से लेता आऊंगा। चलो ठीक है, अब तो टेम पे पगार भी मिल जाती है। हाँ। पहले के दिन कहा, पता नहीं कब सूखा पड़ जाए, कब फसलों का दाम गिर जाए। वैसे याद है आपको, पिछली बार जब सूखा पड़ा था, तीन महीने निकलने में हमें कितनी मुश्किल हो गई थी। हाँ, तो है, पर अब तुम मेरे साथ हो ना, हम किसी भी मुश्किल से आराम से लड़ सकते हैं। अच्छा सुनो, आज मैंने गाड़ी को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों, इतना खुश क्यों हो? बस कुछ नहीं, अपनी गाड़ियों को जब लोगों को इस्तेमाल करते हुए देखता हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। सुनो, मैंने एक गाड़ी देखी जिसके टायर मैंने लगाए थे, तुम देखना, एक दिन तुम्हें अपनी बनाई हुई गाड़ी में जरूर घुमाऊंगा। चलिए, ख्याली पुलाव पकाने छोड़िए, हाथ मुंह धो लीजिए, चाय नाश्ता लगाती हूँ। वैसे पता है, जब हम खेती करते थे तब भी हम खुश हुआ करते थे, और हमें बहुत अच्छा लगता था जब न्यूज पेपर में हमारे रिकॉर्ड फसलों के लिए नाम आया करता था। हाँ सो तो है। अच्छा सपना की माँ, अपनी बिटिया कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही आज। अरे अभी कहाँ, अभी तो खेलने गई है, खेल खेल के थक जाएगी, जब उसको भूख लगेगी तब भी उसको घर की याद आती है। अब बच्ची है, खेलेगी ही ना, तुम भी ना, बस आ जाएगी। अच्छा सुनो, कल मुझे उसके मास्टर जी मिले थे, बहुत तारीफ कर रहे थे मेरी बिटिया की, कह रहे थे सपना बिटिया बड़ी होनहार है। हाँ कह रहे थे थोड़ी शरारती भी है। अच्छा वो तो, वैसे आजकल मुझे भी लग रहा है बिटिया बहुत कुछ सीख गई है। आज सुबह मुझे बोल रहे थे कि चूल्हे में प्लास्टिक पन्नी मत जलाओ, और भी कुछ बोल रहे थे, मुझे इतना समझ का है। वैसे हाँ, मास्टर जी से याद आया कि उन्होंने बिटिया को बोला है कि इलेक्शन आ रही है और अपने माता पिता से वोट जरूर डलवाना। हाँ चलेंगे चलेंगे। इलेक्शन से याद आया, अरे भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हैं आप? बाहर भजन सिंह जी आए हैं और मोहल्ले वाले इकट्ठा हुए उनका भाषण सुनने के लिए। भाभी जी आप भी चलिए, जल्दी चलिए। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। प्यारे भाई और बहनों नमस्कार। नमस्कार। मैं जब भी यहां आता हूं मुझे अपना बचपन याद आता है,
बड़ा गर्व महसूस होता है यहाँ पर आते हुए। मेरा बचपन बीता है यहाँ, मेरे बाबूजी एक खेत यहीं हुआ करते थे, मगर आज आज इस मंच पर खड़े हुए मुझे तली भी गर्व महसूस नहीं हो रहा। जाना चाहते हैं क्यों? कि आज ये सिगड़ी गांव वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। आज सुबह मैं जब यहां आ रहा था तो एक बार मैंने सोचा मैं गलत तो नहीं आ गया। अरे कहां गए हरे भरे लहराते खेत, कहां गई वो मिट्टी की सूंधी खुशबू? आज हवा में एक अलग ही महक थी, कृत्रिम बनावटी। कहां गई, कहां गई हरियाली? क्या इन्हीं दिलों का सपना देखा था बाबूजी ने भारत की आजादी के बाद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं देखा था ना? नहीं देखा। आप लोग, आप सभी लोग जो एक समय अपने जमीन के मालिक हुआ करते थे, आज आज नौकरी कर रहे हैं। आपने कहावत तो सुनी होगी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी। भाइयों बहनों, आपने कभी ध्यान दिया नौकरी बनी है नौकर मूल शब्द से? अरे जिस शब्द का मूल अर्थ ही किसी के इशारों पर नाचना या किसी गुलामी करना हो, वो एक आजाद खुशहाल जिंदगी का कैसे कारण बन सकता है? बताइए, बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। ये बात मैं जानता हूं, ये बात आप लोग जानते हैं। नहीं जानते तो वे लोग, वे उद्यमी लोग जिन्होंने आप तक कंपनी बैठाई। मैं पूछता हूं उन लोगों से, कहां थे वे लोग? कहां थे जब पिछले साल सूखा पड़ा था और आपके बच्चे भूख से बिलक बिलक कर दम तोड़ रहे थे, तब उन्हें याद नहीं आई? वे चुन्नी अपना ही सका है सभी हाँ तुम्हें धोखड़ी अरे धोखड़ी अरे सिंगल है सॉरी सर सॉरी सर हाँ तो भाइयों बहनों, मैं कह रहा था कि कैसी प्रगति है जिसने कल तक सर उठाकर हल जोतने वाले किसान को आज सर झुकाकर सलामी ठोकना सिखा दिया। ये कैसी विडंबना है कि आपकी जमीन पे आप ही को स्थापित कर ये मोटा मुनाफा कमा रहे हैं? आप हिस्से में क्या आते हैं? बस दो वक्त की रोटी। आप सभी साक्षी हैं कि मैंने हमेशा आप लोगों का भला चाहा। मैंने इस गांव में बिजली लाई, मैंने आपके घरों और खेतों को डूबने से बचाया, मगर ये सरकार की साजिश है, उस सरकार की जो अपने 15 साल बाद बिहार से बौखला उठी है, तिलमिला उठी है और आपसे अपना बदला निकाल रही है। लेकिन हम अब और अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, हम आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे। मैं कल से यहां भूख अनशन में बैठूंगा, आवरण अनशन। अब तो यहां से मेरी लाश उठेगी या तो प्लांट उठेगी। बस अब तो साथ चाहिए है ना साथ पिताजी के? आपका साथ मिले तो हम मिलकर इस कंपनी को इस गांव से खदेड़ देंगे और ये जहरीले बाड़े उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। जय किसान, जय किसान, जय सिंगड़ी, जय सिंगड़ी, जय किसान, जय किसान, जय सिंगड़ी, जय सिंगड़ी, चुनीलाल जिंदाबाद, भजन सिंह जिंदाबाद, भजन सिंह जिंदाबाद, भजन सिंह जिंदाबाद। दस मिनट धूप में खड़े रहकर
करेंगे? मेरे तो हालत ही पतली हो गई यार। कैसे किसान खेती कर लेते हैं समझ नहीं आता मुझे। मुन्ना तुझसे ना हो पाएगा, तो एक काम कर, तू बिजली को बुला, तो बदन मालिश कर देगी। और हाँ, उसको बहुत थोड़ा नहा के आए। अच्छा, कहीं आप इस बिजली की बात तो नहीं करे थे जो 5 साल पहले गांव में लेके आए थे? ज्यादा दिमाग मत लगा, जितना बोला उतना कर, जा जितना बोला गया बिधाई का। अरे बिजली साहब की मालिश करनी है, जल्दी आना। अरे जरा नहा कर आना। आजी, आजी। मगर सर मान गए आपकी चतुराई को। इतनी चतुराई से आपने सरकार के काम पर अपनी मोहर लगा दी। इलेक्ट्रिसिटी में तो पहले ही पास हो गया था, लेकिन आपके वोट पर नोट की स्कीम के कारण वो हार गया। दुकान का ठप्पा किसका लगा? आपका। इसे कहते हैं अंधी पीसे और कुत्ता खाए। कुत्ता? नहीं साहब, मैं कुत्ता कैसे कह सकता हूँ, मैं तो सरकार को अंधी कह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अभी देख चुन्नी, भले मैं आखिरी फेल हूँ, लेकिन कूटनीति में ना मैं चाणक का भी बाप हूँ, समझे? वो तो है सर, ये जनता भी बहुत बोली है। इसको ये नहीं पता कि अगर इनके गांव में बांध बन जाता तो सूखे से इनकी फसलें बर्बाद नहीं होती और ना ये गरीब रहते। लेकिन आपने साहेब सही समय पर सही दाम फेंककर सब वोट बैंक अपनी ओर कर लिया। अरे भाई, मैं कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। अरे अगर जब प्रगति हो गई, इन्हें अकल आ गई, तो हमें वोट कौन देगा? फिर भूखे हम नहीं, भूखे वो नहीं मरेंगे, भूखे हम मरेंगे, हम। इसलिए ऐसा तो करना ही था। पर सर, आपने जोश जोश में भूख हड़ताल की बात तो कर दी, पर करेंगे कैसे? आधे घंटे की भूख तो बर्दाश्त होते नहीं आपसे। तू तो बड़ा भोला निकला रे। अरे मैं शौच के बहाने, नहाने के बहाने घर आ जा करूंगा और खा के चले जाऊंगा। उन्हें कौन बताएगा? तू तो बताएगा नहीं, है ना? नहीं सर, मैं कैसे बता सकता हूँ? मुझे पैसे में से इनकार कर रहे थे ना, अब देखता हूँ कैसे चलती है इनकी कंपनी। चला के दिखा दे। बड़े क्या प्लान बनाया सर आपने? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, एक मिनट रुको। अरे सुन, एक काम कर। हाँ सर। अब तू जा, तू कट, तू काम कर, कल के अनशन के लिए पर्चे छपवा। जी सर। और लोगों में बिठवा। जी सर। और सुन, बाहर जाते हुए कुंडी लगा देना। जी सर। और कोई पूछे तो बोलना कि नेताजी कलेक्टर साहब से मिलने का है, देर रात घर आएंगे, परेशान ना करें, समझे? चल जा, कट। और हाँ सुन, बाहर जाते जाते ओ बिजली को अंदर भेज देना। हेलो,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I was thinking. But, sir, how will you? Sir? What happened, sir? I just got the call from our seniors. They're shifting the plan. It's time to pack up. Jai Kisan! Jai Kisan! Jai Kisan! Jai Kisan! Jai Singhri! Jai Singhri! आपसे ही अब कुछ मिलकर बात बन पाएगी। एक तो वह तुम्हारा सरपंच, वो खुद भी गवार है। एक बात कान खोल के सुन लो मेरी, अब वो खेत तुम्हारे नहीं रहे, या तो सरकार के हैं या उस फैक्ट्री के मालिक के। ऐसा मत कहिए साहिब, हम जाए तो कहां जाए, 10 साल हो गए उस फैक्ट्री को बंद हुए। हमारे दम पे अब तो भजन सिंह जी भी मुख्यमंत्री बन गए और हमें खाने के लिए आज तक नहीं मिलता। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे को कितनी बार समझाया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, निकलो यहां से। अब मैं नहीं जाऊंगा साहिब, तुम्हारा कितना योगदान रहा इस आंदोलन में, पर मेरे औरत और बच्चों को झूठे बर्तन मारने पड़ रहे हैं 2 मन की रोटी के लिए। अब नहीं जाऊंगा साहिब। कौन है रे? कौन है चुन्नी? कोई गांव से आया साहब, खेत के कागजात मांग रहा है। अरे साहब, मेरा भी कहा, अरे गांव से कागजात मांग रहे हैं, मेरी भी क्या करते हैं बाकी तो? निकल बाहर, अच्छा चल निकल बाहर, निकल बाहर से। कहाँ कहाँ से आया आपने? मैं जाऊं तो कहां जाऊं? इन लोगों ने मुझे बिल्कुल कठपुतली बना दिया, कभी ये नेता कभी वो कंपनी वाले, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने कर्जदारों को? क्या कहूंगा अपनी सपनी बिटिया से कि तुम अब स्कूल नहीं जा सकती? और कलावती क्या कहूं कि उसे अभी भी झूठे बर्तन मांजने पड़ेंगे कि भूल जाओ खेतों को? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब तो बस मरना ही एक चारा रह गया है। हुआ है अन्याय मुझ पर मैं किसे बताऊं? अपनी दुविधा, अपना दुखड़ा, अब मैं किसे सुनाऊं? कहां छुपाऊं मैं अपनी बहती अश्रुधारों को? कितना सहूं इन काकिलों के कपटी क्रूर मारों को? कठपुतली पर नाचता रहा इन शोषणकर्ता के इशारों पर, आंख बंद कर चलता रहा कंकड़ पत्थर खारों पर। जब आंख खुली तो जाना कोई डगर नहीं जाने के लिए, जो पाया गवा दिया बस जान बची जाने के लिए। कभी कभी सोचता हूं कि मैं मर ही जाऊं, पर हिम्मत भी लाचार है मौत तक ले जाने के लिए, मौत तक ले जाने के लिए। कहानी का, और ये कठपुतली नहीं है, हमें नचाने वाले
तुम तो धान भूखे लेकर।